नमस्कार, बीएससी सेकंड ईयर के क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड में आपके हर यूनिट में 2 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन और आते हैं। तो ऐसे आपके यूनिट थर्ड के अंदर 4 नंबर के 1 क्वेश्चन आएगा और 1 क्वेश्चन आएगा अपने 5 नंबर का। तो जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपके यूनिट थर्ड में 2 चैप्टर्स होंगे, 4A एंड 4B, 5A 5B। ए कंप्लीट क्वेश्चंस हमारा 4A और 4B में से बनेगा और एक कंप्लीट क्वेश्चन हमारा 5A 5B में से बनेगा। दोनों ही क्वेश्चंस करने कंपलसरी है। दोनों के टोटल नंबर आएंगे 4+4 इक्वल में 8। ओके, तो हम 4A 4B 5A 5B ये 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे, और इन 2 चैप्टर्स में भी 2-2 एक्सरसाइज है, 4A की 4B की 5A की 5B। पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम 4 चैप्टर। ओके, तो 4 चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस यूनिट में हमें ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है, कंपलसरी होगा यूनिट थर्ड के अंदर। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट थर्ड चैप्टर 4। ओके, घाती समघाती अवकल समीकरण, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 4 चैप्टर क्या है हमारा? समघाती अवकल समीकरण। वे अवकल समीकरण जो कैसे हैं, समघात के, समान घात के हैं, होमोजीनियस हैं, उनको हम इस चैप्टर में इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम किस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या हम उसमें मेथड अप्लाई करेंगे, कैसे सीएफ निकालेंगे, कैसे उसका पीआई निकलेगा, वो सारे के सारे डाउट्स आपके इस लेक्चर में क्लियर होने वाले हैं। तो वहां आप लास्ट तक लेक्चर्स के बने रहे। और यहाँ हम सबसे पहले जो सीएफ और जो पीआई निकालते आए हैं, वो सीएफ और पीआई वही है जो चैप्टर थर्ड में हमने पढ़े हैं। चैप्टर थर्ड हमारा लास्ट तक चलता रहेगा। पहले भी मैंने बताया था कि चैप्टर थर्ड लास्ट तक हमारे, लास्ट की यूनिट तक हमारे साथ चलेगा। तो चैप्टर थर्ड के जो सीएफ और पीआई है वही यहाँ है, बस यहाँ केवल एक स्टेप्स आगे चलेंगे, उस स्टेप से वापस से उन्हीं सीएफ और पीआई में चलेंगे, वापस से मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो जब हम एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल्स में हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और वहाँ हम इजीली इस चीज़ को समझ पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि समघाती जो अवकल समीकरण है वो किस फॉर्म में होता है। तो ये जो आपके सिलेबस में है या चैप्टर 4 की हम बात करते हैं, तो ये समघाती अवकल समीकरण हमारे इस फॉर्म में होंगे, एक्स की पावर एन डी एन वाई डी एक्स एन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन ए वन, या कोई कांस्टेंट हो ए नोड मान लो, ए वन एक्स डी एन माइनस वन वाई डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू डी एन माइनस टू वाई डी एक्स एन माइनस टू प्लस एन सोन प्लस ए एन इक्वल में, जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का एक फंक्शन है। तो इस फॉर्म की जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन को हम बोलेंगे समघाती अवकल समीकरण। क्या बोल देंगे? समघाती अवकल समीकरण। यहाँ डी की पावर जितनी है, मतलब जितना उसका ऑर्डर है उतने ही एक्स उससे मल्टीपल में आ रहा है, या इसका ऑर्डर एन है एन से मल्टीपल, एन माइनस वन टाइम्स द डिफरेंशिएशन एन माइनस वन तक,
एन माइनस टू एन माइनस टू तक, एन माइनस वन एन माइनस टू, ऐसे चलता चलता कहां जा रहा है, लास्ट टर्म में कॉन्स्टेंट आएगी और सभी में क्या आ रहा है वाई, तो इसमें भी क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। ये इक्वेशन कैसी होती है, समघात अवकल समीकरण होती है। और इसको हम कैसे इसका सीएफ निकालेंगे, कैसे इसका पीआई निकालेंगे, उसको हम सॉल्व करने के लिए आगे स्टेप्स पे चलते हैं और वहां आपके समझ में आया कि इसका हम सीएफ और पीआई में ये चीज क्यों इंक्लूड करते हैं, बाद में आपको ट्रिकली बता देंगे हम। तो पहले देखो जो डी वाई बाई डी एक्स है, यदि सबसे पहले एक्स यदि मल्टीपल में नहीं आ रहा होता तो चैप्टर थर्ड था, चैप्टर थर्ड में हमने पढ़े थे, वहां एक्स मल्टीपल में नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इधर एक्स के फंक्शन थे, इधर ओनली डिफरेंशिएशन की कंडीशंस आ रही थी। इसमें एक्स भी मल्टीपल में आ रहा है तो, और इसमें एक सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस, जितने टाइम्स तक डिफरेंशिएशन उतने ही मल्टीपल, तो समझ जाना ये चैप्टर फोर की बात कर रहा है। और चैप्टर फोर में हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस में यही लिखेंगे अपन, क्या मानेंगे, यहां हम मान के चलेंगे, माना जेड इक्वल में लॉग एक्स, सभी के अंदर ये मानकर चलेंगे हम, एक्स और वाई तो आ ही रहा है इक्वेशन में, उसके आगे क्या बचा हमारे पास में, जेड बचा, जेड को क्या मानेंगे लॉग एक्स मानना पड़ेगा, तभी इसको हम उस थर्ड चैप्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो जेड को क्या मान लेंगे हम लॉग एक्स, इंप्लाइज करके लॉग हटेगा तो क्या जाएगा, एक्स का मान बनेगा ई की पावर जेड, आप इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, जेड को माना हमने लॉग एक्स, तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आएगा यहां से e की पावर z, क्लियर है। अब आगे क्या करना है हमें, हमें आगे x dy by dx, x square d2y by dx, इनके मान निकालने हैं। इनके मान निकालने के लिए देखो dy by dx हम ले रहे हैं dy by dx, ओके dy by dx हमने वैल्यू ली, ऐसे फिर डी टू वाई का लेंगे, डी क्यूब का लेंगे, फिर एक जनरल फॉर्म बनाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स हमने क्या किया, हमने ये किया कि एक्स जेड का फंक्शन बना दिया हमने, तो जेड का फंक्शन एक्स है, वाई से हमें एक्स पे जाना है, और एक्स किसका फंक्शन है जेड का, तो हम क्या कर सकते हैं वाई से हम किस पे चले जेड, फिर जेड से एक्स पे चल सकते हैं, तो इसको क्या ले सकते हैं हम डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स लिख सकते हैं, कोई डाउट्स नहीं है, 11, 12 में पढ़ के आए हैं हम, डिफरेंशिएशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बीच में ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है लिख सकते हैं, आगे सर्किल बनाते हुए चलते हैं, कोई फर्क नहीं होता, ये इसके इक्वल होता है। हमारे पास में देखो डी वाई और डी जेड में कोई रिलेशन नहीं है, वाई और जेड में कोई रिलेशन नहीं है, बट किस में है, जेड और एक्स में, क्या रिलेशन है जेड और एक्स में, जेड और एक्स में ये रिलेशन है हमारे पास, क्या कि जेड का मान लॉग एक्स के इक्वल है, तो यहां से हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो इसका मान क्या आएगा डी वाई बाई डी जेड, तो एज इट इज डी जेड अपॉन डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा वन बाई एक्स, तो ये बनेगा हमारे पास वन बाई एक्स डी वाई बाई डी जेड, ओके जेड का डिफरेंशिएशन हो गया, क्या हुआ वन अपॉन एक्स, ये मान हमने यहां रख दिया वन बाई एक्स डी वाई बाई डी जेड। अब इसका आगे हमें मान किसका चाहिए, हमें इस फॉर्म में ये मान आ रहे हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब, हमें इनके मान चाहिए, ऐसे ही करते हुए x की पावर है डी एन वाई डी एक्स एन, इनके मान चाहिए हमें, इनके मान निकालने के लिए हमने एक अलग से इंक्लूड किया, तब देखो डायरेक्टली मान आ रहा है, इस x को इससे मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में, ये x इससे मल्टीपल में आ गया, क्या बचा यहां डी वाई बाई डी जेड, क्या बच गया डी वाई बाई डी जेड, यदि हम d को ये मान लें, क्या मान लें, यदि हम d को d
डी अपॉन डी जेड मान ले तो बोलो लिख सकते हैं ना, ऐसा बताया था आपको कि ये कैपिटल डी डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है और यहां डी क्या है, डी अपॉन डी जेड मान लिया हमने, ओके तो डी वाई लिख सकते हैं किसकी जगह, एक्स डी वाई वाई डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं डी वाई, डी का मान ये। ऐसे ही हमें आगे वैल्यू निकालनी है, आगे हमें किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर इसका मान हमें निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं हम, देखो डी वाई वाई डी एक्स की वैल्यू तो हमने ये लिख दी, इसका मान क्या जाएगा हमारे पास में, हमें सिंपली ये तो अपने आप आ जाएगा, हमें इसका मान निकालना है, इसका डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर का, इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, डी वाई वाई डी एक्स लिख सकते हैं, डी वाई वाई डी एक्स का मान निकाल लिया हमने, क्या निकाला डी वाई वाई डी एक्स का मान हमने निकाला है ये रहा, इसका मान डी वाई वाई डी एक्स का मान क्या है वन बाई एक्स डी वाई वाई डी जेड, इसकी मान लिख सकते हैं हम यहां डी वाई वाई डी एक्स वन बाई एक्स डी वाई वाई डी जेड, ओके डी वाई वाई डी एक्स का ये मान हमने यहां रख दिया। अब देखो एक तो दो फंक्शन बने, एक तो वन बाई एक्स और एक डी वाई वाई डी जेड, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी अपॉन में डी एक्स वन बाई एक्स का बाहर ये एजिटीज डी वाई वाई डी जेड प्लस एक बार वन बाई एक्स को बाहर लेंगे डी अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी जेड, वन बाई एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस का वन बाई एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस का वन बाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड एज इट इज, प्लस वन बाई एक्स, देखो ये है डी अपॉन डी एक्स, यहां डी वाई और डी जेड है, वाई और जेड का हम डायरेक्टली एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते, इसको क्या लिखेंगे डी अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, इसको लिखेंगे डी अपॉन डी जेड डी वाई अपॉन में डी जेड अपॉन डी एक्स, ध्यान रखना जब भी आप इसको साइकिल बनाओ, आप डी अपॉन डी एक्स है, इसको साइकिल बनाया हमने डी अपॉन डी जेड डी जेड अपॉन डी एक्स, ओके ऐसा तो लिख ही सकते हैं हम, बट आगे से ध्यान रखना जब भी हम ऐसा लिखते हैं तो इसको हम सबके लास्ट में लिख देते हैं, इसको हम सबके लास्ट में लिख देते हैं और डी अपॉन डी जेड इस फंक्शन के पहले लिख देते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस का वन बाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड डी वाई बाई डी जेड, यहां डी जेड अपॉन डी एक्स का मान रख दो, डी जेड अपॉन डी एक्स का मान क्या निकाला है हमने डी जेड अपॉन डी एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स का मान यहां से आ जाएगा वन बाई एक्स, वन बाई एक्स यहां पहले से है, एक वन बाई एक्स यहां से आ गया, क्या बच गया प्लस का वन बाई एक्स स्क्वायर, प्लस का वन बाई एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डी वाई बाई डी जेड डी अपॉन डी जेड यही तो है, इसकी जगह क्या लिखा डी टू, तो इसकी जगह भी क्या जाएगा डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो आप वन बाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वन बाई एक्स स्क्वायर लिया कॉमन, ये प्लस का इसको पहले लिख दे माइनस का इसको बाद में लिख दे, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस डी वाई, यहां डी का मान क्या है सभी जगह डी अपॉन डी जेड, ये एक्स स्क्वायर मल्टीपल हो जाएगा इससे तो ये हमारे पास मान आएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका मान क्या आ गया इसमें डी कॉमन ले सकते हैं डी इंटू डी माइनस वन वन, इसको आप इक्वेशन नंबर डाल दो नेक्स्ट, ये आपका फर्स्ट, इसको डाला सेकंड, इसको डाला थर्ड, ऐसे आप इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए चलोगे तो आपके पास में एक सीक्वेंस बनेगी, और वो सीक्वेंस क्या बनेगी, वो सीक्वेंस ये बन जाएगी हमारे पास,
एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम रखेंगे डी, क्या रखेंगे, इसका मान आया था डी वाई, सभी जगह क्या आ जाएगा, कॉमन रहेगा, डी का मान डी अपॉन डी जेड, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान क्या रखेंगे, इसका मान रखेंगे डी इंटू डी माइनस वन, डी इंटू डी माइनस वन, सभी में कॉमन। ऐसे ही आगे चलेंगे हम, तो डी एक्स क्यूब डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब का मान रखेंगे डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू वाई, आगे एक एक कम करते हुए चल रहे हैं हम। ऐसे ही आगे चलेंगे तो x की पावर n डी एन वाई डी एक्स की पावर n का मान क्या रख देंगे, देखो यहां वन है तो इसको क्या लिखा, d माइनस जीरो तक चलाई, एक कम तक, यहां स्क्वायर है तो कहां तक, वन तक, क्यूब है तो टू तक, एक कम तक माइनस हो रहा है, तो ये होगा d d माइनस वन d माइनस टू एन सोन d माइनस एक कम, n से एक कम क्या होगा n माइनस वन, या इसको हम क्या लिख सकते हैं d इंटू d माइनस वन d माइनस टू, ये माइनस का ये प्लस का, d माइनस n प्लस वन, ठीक है। तो ये इसके आप फॉर्मूले में उतार लो, जब भी इस टाइप की क्वेश्चंस आए तो इनका मान हम ये रखते हैं, डायरेक्ट रखेंगे एग्जांपल में, वहां ये पूरी प्रोसेस नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल रखेंगे और ये बता देंगे कि आपने ये जो डी ऑपरेट लिया है इसका मान क्या है डी अपॉन डी जेड, और जेड का मान क्या है लॉग एक्स, ये दो बात लिख देंगे और डायरेक्ट इनके फॉर्मूले लिख देंगे और सी एफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल से चलते हैं, तो ये फॉर्मूले हैं, इनको लिख लो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स की मान डी वाई डी ये रहेगा, एक्स स्क्वायर है इसका ये मान, एक्स क्यूब है इसका ये मान, ऐसे अपन चलते जाए तो ये, ठीक है, एक एक कम कर रहे हैं अपन, ज्यादा नहीं होगा डी एक्स क्यूब या एक्स की पावर फोर, यहां तक आ जाएगा मोस्टली। अब एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में एक एग्जांपल है। एक्स क्यूब देखो जितना डी की पावर डिफरेंशिएशन हो रहा है उतना एक्स मल्टीपल में आ रहा है, समघात लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, समघात अवकल समीकरण है, क्या है, इसको कैसे करेंगे वो एक प्रोसेस में इस एग्जांपल में बता देता हूं, उसी प्रोसेस से आपको करने हैं। यह एक समघात अवकल समीकरण है, क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अतः माना, क्या माना हमने, सब में फिक्स है लॉग एक्स, एक्स का मान ई की पावर जेड, ओके, जेड का मान रखना और फिर एक्स का मान भी निकाल के बता देना, उसको आप दे देना इक्वेशन नंबर वन। अब आप क्या करोगे, आगे आगे आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दोगे, तब समीकरण होगी, क्या होगी, एक्स क्यूब है कितना तीन,
तो माइनस टू तक चलना है। कहां तक चलना है? माइनस टू तक। फॉर्मूला लिखवा रखा है आपको, तो इसका मान बनेगा डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू माइनस थ्री डी इंटू डी माइनस वन प्लस सिक्स डी इंटू वाई इक्वल में लॉग एक्स। लॉग एक्स का मान क्या रख देंगे? जेड। क्या बन जाएगा? जेड स्क्वायर। आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहां ये हो लिख दो डी क्या है हमारे पास में डी अपॉन डी जे, ये बनेगा डी स्क्वायर माइनस डी डी माइनस टू एज इट इज, इसको मल्टीपल करेंगे तो थ्री डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस सिक्स डी जेड वाई इक्वल में जेड स्क्वायर डी क्यूब माइनस का टू डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, ये बनेगा माइनस टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस टू डी माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस थ्री डी और सिक्स डी नाइन डी वाई इक्वल में जेड स्क्वायर डी क्यूब टू डी स्क्वायर और डी स्क्वायर थ्री और थ्री सिक्स डी स्क्वायर टू और नाइन इलेवन डी वाई इक्वल में जेड स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन का क्या निकालेंगे? इसका निकालेंगे सीएफ। क्या निकालेंगे? सीएफ। तो यूनिट सेकंड के लेक्चर फर्स्ट में हमने सीएफ अच्छे से डिस्कस किया है, आप वहां से इसका देख सकते हैं कि इस इक्वेशन का सीएफ कैसे निकालेंगे। तो यहां डायरेक्ट कर लेते हैं, ये बनेगा एम क्यू माइनस सिक्स एम स्क्वायर प्लस इलेवन एम इक्वल में जीरो। एम पूरे में कॉमन लेंगे, एम स्क्वायर माइनस सिक्स एम प्लस इलेवन इक्वल में जीरो, इसके फैक्टर करेंगे तो एम ये बन जाएंगे हमारे पास में, इसके फैक्टर ऐड करें सिक्स मल्टीपल पे इलेवन, तो ये उससे कर लेंगे हम श्रीधराचार्य से। एम इक्वल में माइनस का बी तो सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या बन जाएगा थर्टी सिक्स माइनस फोर ए सी माइनस का फोर्टी फोर अपॉन में टू ए तो टू, तो एम के मान क्या आ गए सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट यहां फोर्टी फोर ये थर्टी सिक्स कितने आ जाएंगे माइनस के एट फोर कॉमन ले लेंगे तो टू माइनस का टू बचेगा टू रूट टू आयटा अपॉन में टू, 44, 36 माइनस के आयत आएंगे टू रूट टू बाहर आ गया अंडर रूट में माइनस वन माइनस वन का आयता, ये बनेगा हमारे पास में थ्री प्लस माइनस रूट टू आयता। तो एम के मान क्या आ गए? एम का मान देखो एक तो आ गया जीरो और दो मान आ गए हमारे पास में थ्री प्लस माइनस आयता रूट, तो इसका जो सी एफ है सी एफ क्या बन जाएगा? इसका सी एफ बन जाएगा सी वन ई की पावर जीरो। देखो उसमें एक्स करते हैं बट यहां क्या लिया हमने जेड लिया है, तो एक्स की जगह जेड लिखेंगे जीरो जेड प्लस सी टू कॉस रूट टू जेड प्लस सी थ्री साइन रूट टू जेड e की पावर थ्री जेड e की पावर थ्री जेड। फाइनली हमें सॉल्यूशन किस में चाहिए? y और x में, तो अब इस z को x में चेंज करेंगे, अब इस z को x में चेंज कर देंगे तो हमारे पास में जो मान है वो इसका मान आ जाएगा, क्या मान आएगा इसका? ca, इसका ca बनेगा c1 c2 कोस रूट टू जेड, जेड का मान क्या है? लॉग एक्स, तो ये बनेगा कोस रूट टू लॉग एक्स प्लस साइन रूट टू लॉग एक्स ई की पावर थ्री जेड। ई की पावर थ्री जेड का मान क्या बनेगा? ई की पावर थ्री जेड का मान आ जाएगा लॉग एक्स।
अब ये e की पावर log है, इसका मान 1 हो जाएगा, ये 3 चला जाएगा इसके मल्टीपल में, तो फाइनली cf का मान क्या आ गया हमारे पास, फाइनली cf का मान आ गया c1 प्लस c2 cos रूट 2 log x साइन रूट 2 log x एक्स क्यूब, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे इसका निकाल लेंगे पीआई, अब क्या निकालेंगे इसका पीआई, तो ये हमारे पास में इक्वेशन है और इस इक्वेशन का क्या निकालेंगे पीआई, तो पीआई निकालेंगे किसका, 1 अपॉन में डी क्यूब माइनस 6d² प्लस 11d और z² ऐसे निकालते हैं पीआई। क्या करते हैं, डी की सबसे कम पावर है उसको कॉमन लेंगे, तो 1 अपॉन में 11d को कॉमन ले लेंगे। ये हमने यूनिट सेकंड में निकालना सीख गए कि इसका पीआई कैसे निकालते हैं, सीएफ कैसे निकालते हैं। 11d कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, ऊपर लिख देंगे उसको, यहां 1 बचेगा प्लस इसमें 11d का डिवाइड करेंगे तो डी से तो एक एक डी कैंसिल हो जाएगा, 11 नीचे बच जाएगा, d² - 6d अपॉन में 11 इसकी पावर -1। ओके, ये ऊपर चला जाएगा -1 हो जाएगा और क्या बच रहा है z² बता रखा है आपको, जब cf और pi निकालना सिखाया था तब हमने ये भी डिस्कशन किया था कि इसमें d की उतनी ही पावर तक एक्सपेंशन करेंगे जितना z की पावर है, हमें कितना चाहिए, केवल d² चाहिए, तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो बनेगा 1 अपॉन में 11d 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो d की पावर 4 नहीं चाहिए हमें, d² तो चाहिए, इसका करेंगे दोनों को मल्टीपल तो d³ आएगा, नहीं चाहिए, केवल इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा 36d² अपॉन में 121, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का 36, 11 का 121, d² और ये z² इक्वल में 1 अपॉन में 11d, 1 को z² से मल्टीपल करेंगे तो आएगा z², इसका मतलब 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करना है, 2z फिर 2 बनेगा तो माइनस का 2/11, 1 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करो तो 2z और ये 6 बनेंगे 12z/11, 2 टाइम्स तो डिफरेंशिएशन करो 2 आएगा, 36 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 72 अपॉन में 11, 1 अपॉन d क्या होता है इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1/11 तो चलता रहेगा, ये बनेगा z³/3 माइनस 2/11z प्लस z² अपॉन में 2 आएगा, वो इसको कैंसिल करेगा तो 6 बच जाएगा, 72/11z। अब यहां z का मान क्या रख देंगे, z का मान रख देंगे log x, तो ये बनेगा हमारे पास में 1/11 log x का क्यूब बाय 3 माइनस 2/11 log x प्लस 6/11 log x प्लस 72/11 log x। आगे आप इनको सॉल्व कर लेना और ये जो मान है आएगा उसको आप cf में जोड़ के, समीकरण 2 और 3 को जोड़ के आप इसका फाइनल मान लिख देना, y इक्वल में cf प्लस pi। ओके, तो ये इसका जनरल मेथड है, ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आगे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2nd है, x² d2y / dx²
फोर एक्स डी वाई बाई डी एक्स टू वाई इक्वल में e की पावर x, जितना d है उतना x मल्टीपल है, समघात अवकल समीकरण है, z को क्या मानना है हमें, z को मानेंगे z इक्वल में log x मानेंगे, x किसका मान बन जाएगा e की पावर z का, ओके सभी में ये प्रोसेस करेंगे हम, z को हम log x मानेंगे और x बन जाएगा e की पावर x, उसके बाद में हमें क्या करना है इसको चेंज करना है, ये बनेगा d इंटू डी माइनस वन, इसका बन जाएगा 4d प्लस 2y इक्वल में e की पावर, x का मान क्या लिखेंगे e की पावर z, e की पावर z, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, d इंटू डी माइनस वन प्लस 4d इसकी जगह 2 सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा d स्क्वायर माइनस d और प्लस 4d क्या बनेगा 3d प्लस 2y इक्वल में e की पावर z। cf निकालेंगे, cf आप निकाल देना, सिंपल सा है, z में आएगा फिर z में वापस से log x में कन्वर्ट कर देना, तो इसका पीआई निकाल रहे हैं, पीआई ये बनेगा हमारे पास में वन अपॉन में, देखो इसके सीएफ के अंदर क्या हो जाएगा, एक देख लो इसको जेड में कन्वर्ट करने वाले एक दो क्वेश्चन, ये बनेंगे हमारे पास में डी प्लस वन डी प्लस टू वाई इक्वल में की पावर जेड, तो इसका जो सीएफ की बात कर रहे हैं हम, सीएफ में जीरो लेंगे तो एम के मान माइनस वन माइनस टू आएगा, तो इसका जो सी एफ बनेगा सी वन ई की पावर माइनस जेड सी टू ई की पावर माइनस टू जेड सी वन ई की पावर माइनस जेड, जेड का मान क्या रखेंगे माइनस का दो गया, सी टू ई की पावर माइनस का लॉग एक्स क्या बनेगा सी वन सी वन e की पावर माइनस से कहां चला जाएगा x के ऊपर e log x इनवर्स c2 ये माइनस टू कहां चला जाएगा x की पावर पे e की पावर log x माइनस टू, इसका मान हम जानते हैं क्या होता है वन होता है, तो क्या आ गया हमारे पास में c1 x इनवर्स नीचे लिख सकते हैं c2 एक्स स्क्वायर को भी नीचे लिख सकते हैं, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये आ गया हमारे पास में सीएफ, तो जब भी सीएफ निकालो नॉर्मल फॉर्मूला है, बाद में आप जेड का एक्स में रख के और फिर उसको सॉल्व कर लो, इसका हम पीआई निकालते हैं, पीआई इंपॉर्टेंट है, बुक में थीटा वाले मेथड से किया हुआ है, थीटा वाले मेथड से हमें नहीं करना, हमें इसी मेथड से करना है जो हम पढ़ चुके, जो हमें अच्छे से आता है उसी मेथड से उसको सॉल्व करेंगे, इसका पीआई निकालेंगे तो ये बनेगा वन अपॉन में डी प्लस वन डी प्लस टू ई की पावर जेड, इसको सेपरेट करेंगे तो वन अपॉन में डी प्लस वन लिखेंगे डी प्लस टू लिखेंगे, ई की पावर जेड का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास में, ई की पावर जेड का था बट e की पावर जेड का नहीं है, ऐसा हमने यूनिट सेकंड के लेक्चर सेकंड में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, लास्ट में ध्यान हो तो वहां ऐसा क्वेश्चन आया था, उसको सॉल्व किया था, उसी मेथड से करेंगे हम, इसको जनरल मेथड से करेंगे, जनरल मेथड से करने के लिए इसको ऐसे लिख देंगे, अब देखो ये इसका मान निकालने के लिए बताया था आपको ट्रिक, इस फैक्टर के अंदर डी का मान ये किस पे जीरो बनेगा डी बराबर माइनस वन रखने पर, इसको बंद कर दो और d की जगह माइनस वन रख दो, माइनस वन रखेंगे तो टू में से माइनस वन गया तो वन आ गया, इसका मान वन पॉजिटिव, ये किस पे जीरो बनेगा d बराबर माइनस टू रखने पर, इसको बंद कर दो और d बराबर माइनस टू रख दो तो माइनस वन आ जाएगा, यहां माइनस वन आ जाएगा, और सिंपली आप जैसे
निकालते हैं वैसे निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे तो भी मान हमारा यही आएगा। अब इसको लिखेंगे वन अपॉन में डी प्लस वन e की पावर जेड माइनस वन अपॉन में डी प्लस टू e की पावर जेड। तो इसका जनरल मेथड से करेंगे, बता रखा है आपको क्या जाएगा इसका फॉर्मूला, e की पावर इसका नेगेटिव माइनस जेड इंटीग्रेशन, यहां माइनस किया तो अंदर प्लस लेंगे, e की पावर जेड। ऐसे इसमें करेंगे इसका नेगेटिव क्या जाएगा माइनस टू, तो e की पावर माइनस टू जेड बाहर, e की पावर टू जेड अंदर, e की पावर जेड डी जेड। e की पावर जेड को टी मान ले तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास में माइनस e की पावर माइनस जेड टी e की पावर टी डी टी माइनस e की पावर माइनस टू जेड, ये बनेगा e की पावर जेड डी जेड तो डी टी में चला जाएगा एक e की पावर ओके, यहाँ e की पावर जेड को हम टी मानेंगे तो e की पावर जेड डी जेड डी टी में चला गया, केवल e की पावर टी बचेगा, यहाँ टी e की पावर टी डी टी बनेगा और e की पावर जेड इक्वल में e की पावर जेड डी जेड डी टी, ये हमने मान लिया। तो ये बाहर वाला चल रहा है माइनस जेड, e की पावर टी का क्या होगा e की पावर टी माइनस e की पावर माइनस टू जेड टी e की पावर टी का आईलेट से कर लेंगे तो ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो टी एज इट इज e की पावर टी का इंटीग्रेशन e की पावर टी माइनस इंटीग्रेशन टी का डिफरेंशिएशन वन e की पावर टी का इंटीग्रेशन e की पावर टी डी टी माइनस e की पावर माइनस जेड e की पावर टी माइनस e की पावर माइनस टू जेड टी e की पावर टी माइनस e की पावर टी, हम e की पावर टी है तो टी में टी का मान रख देंगे, क्या रख देंगे टी का मान e की पावर जेड, तो क्या बनेगा e की पावर माइनस जेड e की पावर जेड माइनस e की पावर माइनस टू जेड e की पावर जेड माइनस e की पावर जेड। तो हमारे पास में जो इसका मान आएगा pi का वो मान आ गया माइनस e की पावर माइनस जेड e की पावर जेड, इसको अंदर मल्टीपल कर दो, e की पावर जेड को बाहर कॉमन ले लो, एक काम करो e की पावर जेड को पूरे में से ही कॉमन ले लो, e की पावर जेड को पूरे में से कॉमन लिया, यहां बच गया माइनस e की पावर माइनस जेड, यहां बच गया इस e की पावर जेड को इससे मल्टीपल करेंगे तो एक जेड कम हो जाएगा, क्या बचेगा e की पावर माइनस जेड, बाहर क्या है माइनस, तो माइनस e की पावर माइनस जेड, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस टू जेड। अब जेड का मान रख दो, क्या था जेड का मान लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा e की पावर लॉग एक्स माइनस e की पावर माइनस लॉग एक्स, ये वन और वन टू हो जाएंगे, प्लस e की पावर माइनस टू लॉग एक्स e की पावर, देखो इसका मान तो क्या बन गया वन, क्या बचेगा ओनली x, तो e की पावर x e की पावर लॉग का मान वन, x जाएगा इसके ऊपर तो ये बनेगा माइनस का टू अपॉन में x, e की पावर लॉग का मान वन, x की पावर माइनस टू जाएगा x पे तो बनेगा हमारे पास में वन अपॉन में x स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास में इसका पी आई e की पावर माइनस, तो इसका पी आई आ गया, ये सी एफ आ गया हमारे पास में, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो y का मान आ जाएगा, तो y का फाइनल मान आएगा हमारे पास में सी वन एक्स सी टू अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिख दो e की पावर x अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको बाद में लिख दो टू e की पावर x अपॉन में x, ये आ गया हमारे पास में y का मान
तो ऐसे हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और उसका मान हम निकाल देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल थर्ड है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स टू वाई वन में एक्स लोग एक्स क्या करते हैं, एक्स का मान ई की पावर जेड में लिख देंगे, तो जेड का मान लोग एक्स मानेंगे, एक्स बनेगा ई की पावर जेड। इक्वेशन फर्स्ट ये मान यहां पुट करेंगे तो ये बनेगा डी इंटू डी माइनस वन डी टू वाई इक्वल में एक्स का मान ई की पावर जेड और लोग एक्स का मान जेड। इसको सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू वाई इक्वल में ई की पावर जेड जेड। सी एफ निकालेंगे, सी एफ में क्या जाएगा इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा इसका मान, इसके सिरिद्राचार्य से कर लेंगे या फिर आप कर लो इसको डी माइनस वन का ए माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन लिख सकते हैं इक्वल में जीरो, प्लस वन माइनस वन लिख के ये बनेगा ए माइनस वन का स्क्वायर इक्वल में माइनस वन। तो ए माइनस वन का मान क्या जाएगा, ए माइनस वन का मान आ जाएगा प्लस माइनस आयतन, एम का मान क्या आ गया वन प्लस माइनस फाइव। तो सी एफ का मान क्या बनेगा, सी एफ बन जाएगा सी वन कोस जेड प्लस सी टू साइन जेड ई की पावर जेड, जेड का मान रख दो क्या है लॉग एक्स, तो ई की पावर जेड का मान तो आ जाएगा एक्स, ये बनेगा हमारे पास में सी वन कोस लॉग एक्स प्लस सी टू साइन लॉग एक्स और ई की पावर जेड का मान एक्स। ये आ गया सी एफ। ऐसे ही हम निकालेंगे इसका पी आई, तो पी आई के लिए क्या करेंगे, ये नीचे लिखेंगे वन अपॉन में डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू जेड ई की पावर जेड। क्या करते हैं, ई की पावर जेड बाहर आता है, डी की जगह क्या करके जाता है डी प्लस वन, तो ई की पावर जेड बाहर डी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन प्लस टू ये बनेगा जेड। तो ई की पावर जेड इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा डी स्क्वायर प्लस टू डी से ये टू डी कैंसिल हो जाएगा प्लस वन बनेगा हमारे पास में टू डी माइनस टू डी प्लस वन माइनस टू प्लस टू जी, टू डी से टू डी कैंसिल टू से टू कैंसिल क्या बन गया ई की पावर जेड वन अपॉन में वन प्लस डी स्क्वायर जेड। क्या कॉमन लेंगे वन ही है, इसको ऊपर ले जाओ आप वन माइनस वन प्लस डी स्क्वायर इनवर्स जेड कितना चाहिए ओनली डी तक चाहिए, डी स्क्वायर है तो केवल एक टर्म्स लिख देंगे ई की पावर जेड वन माइनस डी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन जेड। इसको मल्टीपल करेंगे तो ई की पावर जेड जेड इसका मान जीरो, मान रख दो जेड का मान तो लोग एक्स और ई की पावर जेड का एक्स, ये बनेगा एक्स लॉग एक्स, दोनों को ऐड करके लिख देंगे और ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो आज हमने यूनिट थर्ड स्टार्ट की है, कुछ एग्जांपल्स आज किए हैं, कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और एक या दो लेक्चर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको लिए जाएंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के बचते हैं वो आपके जो नोट्स हैं उन नोट्स में कंप्लीट क्वेश्चंस हैं वहाँ से आप में देख सकते हैं, अदरवाइज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे या जिनमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी वो कोशिश करूँगा मैं बोर्ड पर ही करवाने की, तो आप इजीली बाकी क्वेश्चन निकाल पाओगे। यदि इश्यू आता है नहीं हो पाते हैं तो आप नोट्स में भी आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।